मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम कर रहे हैं सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर होल नंबर। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 2D। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, 2B एंड 2C। तो उस जब वे दो एक्सरसाइज की थी उन एक्सरसाइज में हमने कंसेप्ट किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। आज कंसेप्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए इंटू बी, अगर ए इंटू का बी हम करें तो हमारे पास जो नंबर आता है, यहाँ पर हमने सी लिखा, हमने तो सी क्या होगा, होल नंबर होगा। इसको एग्जांपल से हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। 2 × 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। 6 अपना क्या है, होल नंबर। और 2 और 3 भी क्या, हमारा होल नंबर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है, अगर हम 2 होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, होल नंबर। सेकंड है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर के हमारे होल नंबर्स हैं, देन अगर इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद हम मल्टीप्लीकेशन करें तो भी हमारी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, इक्वल आएगी। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल से करते हैं हम, 2 × 4, 4 × 2, 8 = 8। यानी ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पर अपनी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या करी है, होल्ड करी है या सेटिस्फाई करी है। थर्ड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ यहाँ पर हम 3 होल नंबर लेंगे, 3 होल नंबर ए एंड बी आर 3 होल नंबर्स, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 6। 2 × 3, 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 1 प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, या तो लेफ्ट से या राइट से, तो हमारे पास क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। यहाँ पर मैंने a मल्टीप्लाई 1 किया है इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a किया है, तो यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट क्या आया, a ही आया। a हमारा क्या है, कोई होल नंबर है, यानी एनी होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 का मीनिंग है कि हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, या लेफ्ट से या राइट से, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना आता है, 0। तो 0 भी अपना क्या है, होल नंबर। अब आती है अपने पास नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, आपके पास a इंटू बी प्लस सी, यानी a, b एंड c हमारे क्या है, होल नंबर। अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसको हमने a को किससे मल्टीप्लाई कराया है, लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसे हम क्या कराएंगे, a को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, b इंटू a प्लस c इंटू a। ये दोनों सारे लेफ्ट एंड राइट क्या होंगे, बराबर होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या अपनी, यहां पर क्या थी एडिशन की, यहां पर क्या सब्ट्रैक्शन की। तो यहां पर हम करेंगे a इंटू बी माइनस सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, बी माइनस सी इंटू a, बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर हमने अपनी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब करेंगे हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स विद ए होल नंबर टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, ब्लैंक फिल करना है, किसके साथ, होल नंबर के साथ। ऐसे फिल करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो, ट्रू हो। तो फर्स्ट है 23,987,
इंटू जीरो, यानी हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो। सेकेंड है 59,083 इंटू वन, अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इटसेल्फ ही होता है। ये कौन सी है, जीरो की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ऑफ वन की है। थर्ड है 879 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56 इंटू क्या आएगा, यहां पर ब्लैंक है तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्युकेटिव प्रॉपर्टी। 879 यहां पर कम्युकेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है 100 इंटू 100 ब्लैंक्स इज इक्वल टू 1 लाख, यानी अब इसमें कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5। हम हमारे पास इधर कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, यानी एक जीरो की कमी है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। फिफ्थ है 27 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई ब्लैंक इंटू 27, यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, इक्वल आएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 98। सिक्स पार्ट है हमारा 87 मल्टीप्लाई 90, तो यहां पर लिखा है इज इक्वल टू 90 इंटू 80 प्लस, यहां पर क्या है ब्लैंक से हमें क्या करना है, फ्लिप करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 87 को क्या लिख दिया, 80 प्लस 7, यहां पर कितना आ जाएगा, 7। इसका जो सेवंथ पार्ट है वो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। क्वेश्चन सेकंड, फिल द ब्लैंक्स, क्वेश्चन सेकंड भी अपना कौन सा है, फिल द ब्लैंक्स फिल करने हमें, तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 56 मल्टीप्लाई 39 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 30 प्लस 56 इंटू ब्लैंक्स, यहां पर हमें ब्लैंक फिल करना है, तो यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं, 56 इंटू 39 इज इक्वल टू, इसने 39 को किस तरह से ब्रेक किया है, 56 मल्टीप्लाई 30 प्लस 9, अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 मल्टीप्लाई 30 प्लस 56 मल्टीप्लाई 9, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9। इसका सेकंड पार्ट है 37 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 37 इंटू 10 प्लस 37 इंटू 5 प्लस 37 इंटू ब्लैंक्स, अब इसको सोल्व करेंगे तो 37 इंटू 19 को इसने कैसे लिखा है, 37 मल्टीप्लाई 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर 10 है 10 लिख दिया, फिर यहां पर क्या है 5 है प्लस 5 और प्लस 4, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई 10 प्लस 37 मल्टीप्लाई 5 प्लस 37 मल्टीप्लाई 4, तो यहां पर कौन सी डिजिट आ जाएगी अपनी, 4। यही क्या अपने आंसर, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट वो क्या करना है आपको, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट नंबर शुड बी रिप्लेस ईच एंड, यहां पर हमें क्या करना है, एंड की तरह एंड की प्लेस पे हमें सुटेबल नंबर क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये होना है 3 इंटू एन प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, यहां पर देखो अगर हम 3 की n से मल्टीप्लाई कराएं तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 5, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, n रिप्लेस, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, ये क्या अपना आंसर। सेकंड है 7 इंटू 4 प्लस n इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 3, यहां पर देखो अगर 7 इंटू 4 करते हैं तो 7 इंटू 4 हमारे पास प्लस का साइन है और फिर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3, तो ही इस n की स्थान प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7, दैट इज ए आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको ट्राई हो सेल्फ। क्वेश्चन फोर्थ, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल अरेंजमेंट, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकालना है कि उनको सुटेबल अरेंज करके, तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 25, 8, 7, इनका क्या करना है हमें अरेंज करना है कि हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है वो इजी से इजी हो जाए, तो यहां पर हम करेंगे 20 सॉल्यूशन 5, 8 एंड 7, अगर मैं 20 और 5 की मल्टीप्लाई कराऊं, 20 एंड 5 की मल्टीप्लाई इंटू 8 एंड 7 की मल्टीप्लाई,
तो 20 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 100 इंटू 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56। अब हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है वो इजी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 56 के पीछे 20 यानी 5600। ये क्या अपनी मल्टीप्लीकेशन, ये क्या अपना आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको फोर्थ पार्ट यहाँ पर मैं सोल्व कर रही हूँ, तो सॉल्यूशन करेंगे हम इनको अरेंज करेंगे 2867 50। अब इसको किस तरह से अरेंज करेगी, जो हमारी मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो जाए इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ 2 into 50 into 2867 50 और 2 की मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2867। अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है इजी हो जाता है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी अपनी ये वाली, दैट इज ए आंसर। यानी फोर्थ क्वेश्चन के जितने पार्ट है वेरी इजी पार्ट है, उनको सिर्फ अरेंज करना है कि हम उसको किस तरह से आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर सके। यहां पर क्या सिक्स पार्ट करा रही हूं मैं, यहां पर सोल्यूशन 3982 625 एंड 16। इसको हम अरेंज करेंगे 625 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 3982। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 10,000 आता है, और मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो अब अपनी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी इस नंबर के पीछे 4 0। ये क्या अपना आंसर। इसके जो पार्ट बच गए वो क्या करने आपको ट्राई योरसेल्फ, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है इसका यूज करके, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके। इसका फर्स्ट पार्ट है 972 मल्टीप्लाई 8 प्लस 972 मल्टीप्लाई प्लस 2। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो गिवन है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या चीजें दोनों में कॉमन आ रही है 972, तो ये क्या लेंगे हम 972 को कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 972 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 972 को हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9720। ये क्या अपना आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है सेकंड पार्ट है वो आपको ट्राई करना है, सिर्फ मेथड सेम है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया वैसे उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन सिक्स, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन सिक्स में भी हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका यूज करके, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर करा रही हूँ, तो 928 मल्टीप्लाई 857 इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो हमने क्या लिख लिया 928 into 857। यहां पर हमने 928 को ब्रेक कर लिया 900 plus 20 plus 8। यहां पर हमने क्या किया है 928 को ब्रेक करा है और उसको यहां पर लिखा है मल्टीप्लाई किससे कराया है हमने 857 से। अब क्या करेंगे 857 को 900 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 857 को हम 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस फिर 857 को हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इन सबकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर जब हमने 900 इंटू 857 की मल्टीप्लीकेशन की तो यहाँ हमारे पास आया 7,71,300 प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन आई 17,140 प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन आई अपने पास 6,856। इन सबको हमने क्या किया ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 7,95,206।
ये क्या अपना आंसर। इसका जो पार्ट बच गए उनको क्या करना है आपको ट्राई और सॉल्व करना है। सिर्फ हम क्या करेंगे एक नंबर को क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट इजी हो जाएगी। क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 वेरी इजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, जो भी हम कंसेप्ट पहले रीड करते हैं, जैसे हमने क्या करा था आज प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उनके बेस पे वो क्वेश्चन है। सिर्फ आपको वहां पर क्या करना है क्वेश्चन को रीड करते हुए या थोड़ा सा सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्यूशन करते हुए हमें अपने क्वेश्चन जो भी आंसर है उसको टिक करना है, वो ट्राई योर सेल्फ के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2E। 2E एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे कंसेप्ट रीड। तो इसका कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अब पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए एंड बी आर टू हमारे क्या है होल नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए डिवाइड बाई बी मे और मे नोट बी रिप्रेजेंट ए होल नंबर। इसका कहने का मतलब ये है कि ए डिवाइड बाई बी होल नंबर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इसको हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे फोर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर लिखे फोर अपॉन टू क्या आ गया टू, टू हमारा क्या है होल नंबर। अब करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम थ्री डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर थ्री अपॉन टू ये अपना नोट होल नंबर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन क्या हो रही है कि सेटिस्फाई नहीं हो रही कि उसका रिजल्ट होल नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहां पर हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई। ऐसे हमारी क्या है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप एग्जाम्पल लेके टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम करते हैं डिवीजन बाय जीरो। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं यानी सॉरी डिवीजन बाय जीरो, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है जीरो आता है। जैसे जीरो अपॉन वन यानी वन से हम क्या करें डिवाइड, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जीरो। ऐसे जीरो को अगर मैं टू से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा जीरो। इसका कहने का मतलब यह है अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है जीरो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ए डिवाइड बाई ए। अगर हम ए डिवाइड बाई ए करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से क्या करना है डिवाइड, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वन। यहां पर ए डिवाइड बाय वन तो ए अपॉन वन तो क्या आ जाएगा ए। अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो न क्या रिजल्ट आता है जो नंबर है वही आ जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट गिवन है उनकी हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जीरो डिवाइड बाई 39। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो डिवाइड बाई 39 इज इक्वल टू क्या होगा जीरो अपॉन 39 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या जाएगा अपना जीरो। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जीरो। थर्ड है फाइव डिवाइड बाई फाइव। सोल्यूशन में हम करेंगे फाइव डिवाइड बाई फाइव, फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन। अभी हमने क्या किया था अगर सेम नंबर को हम सेम नंबर से क्या करते हैं डिवाइड तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है वन। यहां पर हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। तो 701 माइनस 1869 डिवाइड बाई 1869। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं 701 माइनस जो गिवन है ब्रैकेट में वो लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये सेम डिजिट है वन आएगा। 701 में से हम वन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 700। ये क्या अपना आंसर। जो पार्ट बच गए वो क्या करना है ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन सेकंड रिप्लेस द लेटर बाय ए सूटेबल नंबर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट इफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है जो लेटर गिवन है उसकी जगह पर हमें सूटेबल नंबर रिप्लेस करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि जीरो डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू क्या अपना जीरो। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं
जीरो डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर b को हम किसी भी एनी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, एनी होल नंबर्स, यानी एनी होल नंबर्स या एनी नंबर्स, किसी भी नंबर से हम क्या कर सकते हैं b को रिप्लेस। सेकंड है 48 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू n। यहां पर हमें n को बताना है कि n को हम किससे रिप्लेस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए। तो यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 48 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू n, 48 अपॉन 48 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है n, तो यहां पर n, n को हम किससे रिप्लेस कर दे, 1 से, रिप्लेस बाय 1, यहां पर n को रिप्लेस कर रहे हैं बाय 1 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड पार्ट है P डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू क्या अपना 0। तो यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, P डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0, P अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या करते हैं हम P को रिप्लेस बाई 0, यानी P को किससे रिप्लेस कर दे, 0 से, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तभी अपना जो राइट हैंड साइड है 0 आएगा। तो यहाँ P इज इक्वल टू 0 क्या है अपना आंसर। इसके जो पार्ट बच गए वो क्या करना है आपको, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन थर्ड है वो आपका क्या है, ट्रू और फॉल्स का है, वो आपको ट्राई योरसेल्फ करना है। यहाँ पर मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रही हूँ, व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड बाय टू गिव 78,97,890, यानी हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि है हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 78,97,890 को डिवाइड बाय किससे कर दिया हम, 789 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास सेम नंबर आएगा। तो यहां पर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो फर्स्ट टाइम कितने भी जाएगा, 1 जा पे, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर 0, अब क्या करेंगे 7 को नीचे लेके आएंगे तो नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, फिर 8 को नीचे लेके आएंगे तो फिर भी डिवाइड नहीं होगा, और फिर क्या लेके आए हम 9 को नीचे लेके आ जाएंगे तो कितने पे जाएगा, 1 जा पे, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर हम 0 को नीचे लेके आएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, क्यों 0 कोई इसको डिवाइड नहीं करा। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे अपना 798 मल्टीप्लाई बाय किससे, जो क्वेश्चन आया उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वी गेट 78,97,890 नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, ये वाला। तो यहाँ पर अपना चैप्टर भी फिनिश होता है और अपनी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। इसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई योरसेल्फ है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम न्यू चैप्टर, न्यू एक्सरसाइज।